सो ही गाइस, मैं पीशन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो क्या आप भी मेरी तरह एक वेजिटेरियन हो और आपको भी लगता है कि वेजिटेरियन खाना वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है और शरीर के लिए भी सबसे सही है? तो भाई या फिर बहन, आप दुनिया की सबसे बड़ी गलत फहमी में घूम रहे हो, क्योंकि अगर वेजिटेरियन खाने के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लॉसेस फॉर बीइंग वेजिटेरियन के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, तो बने रहना वीडियो में अंत तक। सो फिर चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लॉस नंबर वन, प्रोटीन की कमी। एज अ वेजिटेरियन आपके पास बहुत ही कम सोर्सेज होते हैं जहां से आपको प्रोटीन मिलता है। साइंस के नजरिए से देखें तो अगर आपके शरीर में 9 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं तो आपको प्रोटीन बहुत ही ढंग से मिला है। बट वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि 9 अमीनो एसिड्स एक खाने के सोर्स में मिल रहा है आपको, तो आपको सारे सोर्स दबा दबा के खाने पड़ते हैं वेजिटेरियन डाइट में, तब आपको जाके प्रोटीन का भोग मिलता है। नॉन वेजिटेरियंस को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि उनके पास प्रोटीन है कि नहीं है, वो मीट को कंज्यूम करते हैं और वो नेचुरली फिट रहता है उनके लिए। नुकसान नंबर दो, न्यूट्रिशन की कमी होने का खतरा। तो अगर आप कभी कभार अगर कोई मेन ग्रुप का फूड अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, बंद कर देते हो, नहीं खाते हो, तो आपको न्यूट्रिशन बहुत ही कम मिलता है। जैसे हरी सब्जियां, बहुत से लोग हरी सब्जियों को नहीं खाते हैं। वेजिटेरियंस को कुछ स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए इन न्यूट्रिशंस के बारे में जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, विटामिन डी, ओमेगा। इनमें से बहुत सारे आसानी से मिल जाते हैं, बट इनमें से आयरन और विटामिन B12 बहुत ही मुश्किल से मिलता है एक वेजिटेरियन डाइट में। ये ज्यादातर हमें सी फूड में देखने को मिलता है। अगर वेजिटेरियंस अच्छी तरीके से दूध पिए और सप्लीमेंट्स खाएं तो उनको न्यूट्रिशन की ज्यादातर कमी नहीं होगी। नुकसान नंबर तीन, लोअर लेवल ऑफ क्रिएटिन। ये एक अमीनो एसिड है जो हमारे मसल्स को बनाने में यूज होता है और इसको प्रोफेशनल एथलीट्स लेते हैं अपने सप्लीमेंट्स में, जिससे उनकी तगड़ी तगड़ी बाइसेप्स बनती है, और ये मीट और फिश के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इसलिए नॉन वेजिटेरियंस को कोई चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और इनको वेजिटेरियंस तो कंज्यूम करते नहीं है इसलिए उनके मसल्स थोड़े कम रहते हैं और कोई भी आता चाटा मार के निकल लेता है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके मसल्स ढंग के हैं कि आप किसी को पछाड़ सकते हो। नुकसान नंबर चौथा, तो अगर आप एक वेजिटेरियन डाइट पे अगर कोई रेसलर बनना चाहते हो या तगड़ा इंसान बनना चाहते हो, अपनी बॉडी डोले शोले बनाना चाहते हो, तो आपको उस समय बहुत ही ज्यादा लग सकता है और आपका पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है अगर आप एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हो। तो ये थे नुकसान वेजिटेरियन डाइट्स के। अगर आपको अच्छा लगता है यार, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।